हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं अभय टॉक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 12 से गुना कैसे करते हैं। जी हाँ, कल के वीडियो में हमने देखा था कि 11 से गुना जोड़ की क्रिया द्वारा कैसे करते हैं। उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हम मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन मल्टीप्लीकेशन के रूल से नहीं करेंगे, इसे हम एडिशन के रूल से करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और देखते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फटाफट से कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल हमने पिकअप कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, और फ्रेंड्स मान लीजिए कि इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 12 से। फ्रेंड्स, इस कल के वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि पहले एक अंक को लिखते थे, फिर दो दो अंक को लिखते जाते थे जुड़ करके। लेकिन फ्रेंड्स, आज आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि 12 है तो 12 के लास्ट में 2 आता है। फ्रेंड्स, ये हम मान लेते हैं कि हमें 12 का टेबल नहीं आता है, केवल 2 का टेबल ही आता है। फ्रेंड्स, तो इसमें हम प्रत्येक अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पड़ोसी को जोड़ देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें पड़ोसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पड़ोसी कौन होता है? तो जो हमारा दाहिने साइड होगा वही हमारा पड़ोसी माना जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हमने एक संख्या लिख लिया है 12,345 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। तो फ्रेंड्स, हम 12 का टेबल नहीं जानते हैं, हम केवल 2 के टेबल से काम चलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 5, 5 × 2 = 10 होता है। 10 की 0 हासिल आप एक रख लीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए, इसका पड़ोसी दाहिने साइड में कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स, अब आते हैं 4 पे। 4 को डबल कीजिए, 4 × 8 और इसका पड़ोसी 5 है, तो जोड़ दीजिए इसको। तो 8 और 5 = 13, एक हासिल था, 14 के 4 हो जाएगा, फिर हासिल एक बच गया। फ्रेंड्स, इस पर आइए, इसको डबल कीजिए 3 को, तो 3 × 6 हो जाता है और इसका पड़ोसी ये है, तो 6 और 4 = 10 हो गया, हासिल 1 था, 11, फिर हासिल 1 बच गया। फ्रेंड्स अब इसको आप डबल कीजिए, तो 2 × 4 और इसका पड़ोसी दाहिने साइड 3 है, तो 4 और 3 = 7 और एक हासिल था आपके पास, 8 हो गया। फ्रेंड्स, इसको डबल करते हैं, तो 1 × 2 और इसका पड़ोसी ये है, तो 2 और 2 = 4, यहाँ पर कोई हासिल नहीं था इसलिए 4 लिख देंगे और लास्ट वाले अंक को फ्रेंड्स हम लिख देंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक सवाल मिल चुका है ये, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 का टेबल नहीं पता मुझे, 2 का टेबल से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले 6, 6 × 12 के 2 हासिल, 1 लिख लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी पड़ोसी था नहीं इसके राइट साइड में, तो केवल हमने इसको डबल किया और इसका दूसरा अंक जो था हमने हासिल बना लिया। फ्रेंड्स, 5 का डबल 10 होता है, 5 × 10 और इसका पड़ोसी ये था, तो 10, 6 = 16 और 1 = 17 के 7 हासिल एक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका डबल करेंगे तो 1 × 2 और 5 = 7 और 1, ये हासिल मिलकर 8 हो गया। फ्रेंड्स, 3 × 6 और 1 = 7 हो गया। फ्रेंड्स, 2 × 4 और 3 मिलकर के फिर से 7 हो गया। और लास्ट में जो डिजिट है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फ्रेंड्स, हमने फटाफट से बोर्ड पर 3 और सवाल लिख लिए हैं, कुछ आसान और कुछ भारी सवाल, आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 का टेबल हमें नहीं आता, हमें 2 का टेबल आता है। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 को डबल कर दीजिए, तो ये 2 × 4 हो गया। फ्रेंड्स, 3 को डबल कीजिए, 3 × 6 और इसका पड़ोसी 2, 8 हो गया। फ्रेंड्स, 5 × 10 और इसका पड़ोसी 3, 13 हो गया, यहाँ पर आपका एक हासिल बच रहा है। फ्रेंड्स, 6 × 12 और 5 = 17 और एक हासिल मिलकर 18 की 8, फिर हासिल एक बच रहा है। 4 × 8 और 6 = 14 और एक हासिल मिलकर 15 हो गया, हासिल एक बच रहा है। 3 × 6 और 4 = 10, 1 = 11 की 1, हासिल फिर एक बच रहा है। 2 × 4 और 3 = 7, एक हासिल था, 8 हो गया। 1 × 2 और 2 = 4 हो गया और फिर 2 × 4 और 1 ये हासिल 5 हो गया। और लास्ट वाला डिजिट को फ्रेंड्स हमको यहाँ पर लिख देना है। फ्रेंड्स, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ही ऐसे आएगा। अगर नहीं आता है तो ये ना समझें कि मेरा तरीका गलत है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें और फिर से सही सही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। फ्रेंड्स, आते हैं इस सवाल पे। 12 का टेबल नहीं है पता मुझे, 2 का टेबल पता है। तो फ्रेंड्स, 5 × 10 = 0 हासिल एक हो गया। 8 × 16 और 5 जोड़ दीजिए, 21 और 1 = 22 की 2 हासिल 2 इस बार बच गया। 7 × 14 और 8 = 22 और 2 हासिल
24 की 4 फिर हासिल 2 बच गया, 3 दूनी 6 और 7 13 और 2 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 एक 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 6 दूनी 12 और 4 16 एक 17 की 7 हो गया हासिल 1 हो गया, 6 दूनी 12 6 18 एक 19 की 9 हो गया हासिल 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 6 16 एक हासिल है 17 के 7 हासिल 1 हो गया। और फ्रेंड्स ये 5 और ये एक हासिल मिल करके 6 लिख देते हैं। ये भी फ्रेंड्स हमारा काफ़ी आसानी से बन चुका है। आते हैं फ्रेंड्स कि कुछ बड़ी संख्याएं हमने ली ही हैं तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स 12 नहीं पता मुझे, 2 के टेबल पढ़ते हैं तो 2 2 जा 4, फिर 7 को 2 बार पढ़ते हैं 7 दूनी 14 और ये पड़ोसी इसका रहा 2 तो 14 और 2 16 के 6 हासिल 1 हो गया। फ्रेंड्स 8 दूनी 16 और 7 को जोड़ देंगे 23 हो गया, 23 और 1 हासिल 24 की 4 फ्रेंड्स हासिल 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 8 18 और 2 20 की 0 हासिल 2 हो गया। फ्रेंड्स 6 को डबल कीजिए तो 6 दूनी 12 और 5 को जोड़ दीजिए 17, 2 हासिल है तो 19 हो गया, फिर हासिल 1 हो गया। फिर फ्रेंड्स 7 को डबल कीजिए, 7 दूनी 14 और 6 20 एक हासिल है 21 की 1 हासिल 2 हो गया, 9 दूनी 18 18 और 7 25 होता है, 25 और 2 27 की 7 हासिल 2 हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 9 और 2 मिला करके 11। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि किस प्रकार से हमने 12 के टेबल अगर नहीं पता तो हम 2 के टेबल से एडिशन प्रक्रिया द्वारा मल्टीप्लिकेशन को संपन्न कर लेते हैं। फ्रेंड्स फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि इसमें आपको प्रत्येक डिजिट को डबल करना है और डबल करने के बाद इसके राइट साइड वाले पड़ोसी को जोड़ देना है। फ्रेंड्स अगर एक अंक में आता है तो आपको एक ही अंक लिख देना है और अगर दो अंकों में जवाब आता है तो एक अंक लिखा जाएगा और दूसरा अंक आपका हासिल हो जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा आप इसको पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो आपने देखा कि कितने ही आसानी से मैंने 12 के मल्टीप्लिकेशन को डबल प्लस एडिशन मेथड के द्वारा संपन्न कर लिया है। ये मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर बन जाता है। मैंने इसे खुद बनाया है, आप भी बना करके देखें बनता है कि नहीं बनता है। फ्रेंड्स आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।